निगम चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है। आपने बीजेपी को पछाड़ते हुए इस बार के चुनाव में जीत हासिल की है। कुल 250 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल करते हुए 134 सीटें अब तक जीती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब तक सिर्फ 104 सीटें आई हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें हैं। वहीं एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती हैं, वहीं दूसरी तरफ अब आपके कार्यकर्ता उत्साह में हैं। आपके सभी कार्यकर्ता बहुमत के आंकड़े को छूने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बहुमत का आंकड़ा पार होता है, वैसे ही आप कार्यालय में जश्न का माहौल है। इस जश्न के माहौल में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं। उनके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहते हैं। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए शुक्रिया अदा किया, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से एमसीडी चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करते आई है। ऐसे में इस बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और आम आदमी पार्टी ने अपनी कड़ी पकड़ दिखाते हुए 134 सीटों से जीत दर्ज की है। वहीं अगर हम एमसीडी चुनाव की कुछ बड़ी सीटों की बात करें जिस पे आपने भरोसा किया था और आपको हार का मुंह देखना पड़ा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सत्येंद्र जैन के इलाके में, जहां आम आदमी पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। बता दें कि इस बार के चुनाव में सत्येंद्र जैन के सकुर बस्ती में बीजेपी तीनों वार्डों में जीत हासिल करती हुई नजर आई। वहीं पटपड़गंज में बीजेपी की रेणु चौधरी, विनोद नगर में बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी और मंडावली में बीजेपी के शशि चंद्रा ने जीत दर्ज की है। ये कुछ बड़ी सीटें थी जिस पर हार कर आम आदमी पार्टी को झटका जरूर लगा है। वहीं मयूर विहार 11 में देवेंद्र कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विपिन बिहारी ने मजबूत दावेदारी पेश की, जबकि कांग्रेस ने यहाँ से हीरा सिंह रावत को मैदान में उतारा था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।